बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है। ड्रग्स मामले में जो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल करी है उसमें आर्यन का नाम नहीं है। आर्यन के अलावा मामले में पकड़े गए 5 अन्य लोगों का भी नाम इस चार्जशीट में नहीं है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि आर्यन के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। 2 अक्टूबर 2021 में मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने छापा मारा था। उस दौरान उन्होंने आर्यन खान समेत 9 लोगों को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है। ड्रग्स मामले में जो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल करी है उसमें आर्यन का नाम नहीं है। आर्यन के अलावा मामले में पकड़े गए 5 अन्य लोगों का भी नाम इस चार्जशीट में नहीं है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि आर्यन के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। 2 अक्टूबर 2021 में मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने छापा मारा था। उस दौरान उन्होंने आर्यन खान समेत 9 लोगों को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था।